नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले में पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को गोलमोल जवाब दे दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है और ये एक गंभीर मसला है। इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में आएगी। पंजाब सरकार का ये पत्र इसलिए भी अब बेईमानी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गठित केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जांच कमेटियों पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई सुरक्षा चूक के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में बताया गया है कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजा गया वो पत्र मिला है जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले में उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि इस घटना को पंजाब सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी से 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु की तरफ से जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया का यह आदेश 9 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने हर रोज की तरह आज की भी ट्रेनों की लिस्ट अपडेट कर दी है। भारतीय रेलवे ने आज 390 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। वहीं कुछ के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे हर रोज डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर देता है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.government.in पर सुबह करीब 11 बजे तक के अपडेट्स के मुताबिक रेलवे ने 390 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया है जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 13 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं जबकि कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के खिलाफ कुछ ग्रामीणों का शपथ लेने का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो की शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल 1 जनवरी को कुछ युवक पिकनिक मनाने लुंड्रा थाना क्षेत्र के एक गांव पहुंचे थे जहां उनका स्थानीय ग्रामीण युवक से विवाद हो गया। इसके बाद आरोपी युवकों ने ग्रामीण और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए। आरोपियों की रिहाई से ग्रामीण नाराज थे। ग्रामीणों ने लुंड्रा थाने का घेराव किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया था जबकि पीड़ित पक्ष आदिवासी समाज से है। कमजोर केस बनाने से ही आरोपी आसानी से छूट गए। यही नहीं, ग्रामीणों ने इसके बाद आरोपियों के धर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखने का निर्णय लेते हुए शपथ भी ली। शपथ का यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी दिल्ली और पूरे NCR में झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार आधी रात से बारिश होनी शुरू हो गई है। इसी वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है और इसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव भी हो गया है। पानी भरने से लोगों को आवाजाही में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू भी लागू है, इस कारण कम संख्या में ही लोग घर से बाहर निकलेंगे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और NCR में हल्की से मध्यम बारिश होगी। फिलहाल पूरी दिल्ली में पानी पानी ही नजर आ रहा है।
यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वहीं इस दौरान नेताओं की जुबानी जंग से लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच उन्नाव सदर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को जनसभा के दौरान एक किसान नेता ने कथित तौर पर तमाचा चढ़ दिया। वहीं बीजेपी विधायक को कथित किसान नेता की तरफ से थप्पड़ चढ़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर कर लिखा गया है कि उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को आयोजित जनसभा में किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया। किसान की तरफ से मारा गया ये थप्पड़ बीजेपी विधायक को नहीं बल्कि यूपी की बीजेपी शासित आदित्यनाथ की कुनीतियों, कुशासन और तानाशाही के मुंह पर जड़ा गया थप्पड़ है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेट के द्वारा ट्विटर से जारी 21 सेकंड के इस वीडियो में बीजेपी के उन्नाव सदस्य विधायक पंकज गुप्ता एक जनसभा के दौरान मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान एक हरे और सफेद रंग की टोपी लगाए बुजुर्ग मंच पर जाते हुए नजर आते हैं। बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए सीधे पंकज गुप्ता के बेहद नजदीक आ जाते हैं और इसी दौरान अचानक से उनके मुंह पर तमाचा चढ़ देते हैं। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने रिट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए, बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद गांवों कस्बों में वोट मांगने के लिए खुश नहीं पाएंगे। जनता का गुस्सा अंडर करेंट की तरह दौड़ रहा है। जनता किस कदर परेशान और गुस्से में है इसका अंदाजा भी शायद बीजेपी के शीर्ष नेता नहीं लगा पा रहे हैं। सर अभी एडीजी को कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल को उतारा गया है। कोठियाल को ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया हुआ है। अजय कोठियाल ने कहा कि आज पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी को जमकर मेहनत करनी है। उत्तराखंड नवनिर्माण की इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में 81,43,922 मतदाता हैं, जिसमें 42,24,288 पुरुष, 49,334 महिला मतदाता हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 93,964 सर्विस मतदाता हैं। इस बार 2,97,922 नए मतदाता बने हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 1,11,458 युवा मतदाता बने हैं। मतदान के लिए पूरे प्रदेश में 11,647 मतदाता स्थल बनाए गए हैं, जिनमें बार मतदान के लिए 635 मतदेय स्थलों को बढ़ाया गया है। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा मतदाता है, जिनकी संख्या 14,81,874 है, जबकि चंपावत सबसे मतदाताओं वाला जिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, लिस्ट जारी करी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि कहा जाता है कि जब कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है तो पार्टियों में गुटबाजी की भी खबरें आती है, पार्टियों में दोफाड़ होने की भी खबरें आती है, विवाद की भी खबरें आती है, कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जो 24 प्रत्याशी है उनके नाम कर दिया। जा सकता है कि दूसरी ऐसी पार्टी है जो कि दूसरे नंबर पर अपने लिस्ट जारी कर रही है। इससे पहले उत्तराखंड क्रांति प्रत्याशियों की पहले लिस्ट की थी और अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 24 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल, उनको गंगोत्री सीट से लड़ने की वो बात कह रहे थे और वहीं के उनको प्रत्याशी भी बना दिया गया है। इसके साथ ही शिशुपाल रावत जी को भी प्रत्याशी बनाया गया है रामनगर से और भूपेश उपाध्याय को कपकोट से बनाया गया है। भूपेश उपाध्याय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी की। उसके साथ ही दीपक बाली जो की मजबूत चेहरों के तौर पर आम आदमी पार्टी ने देख रही है और काशीपुर से पिछले लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो दीपक बाली है ये एक मजबूत चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं जो कि विधानसभा तक पहुंच सकते हैं, आम आदमी पार्टी को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है लगभग 24 लोगों की जो लिस्ट है वो आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। जो पहली चरण की जो लिस्ट कही जा रही थी कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी जारी कर सकती है, वो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने आज जारी कर दी है। जी क्योंकि सुभाष गौड़ जी अब आधिकारिक रूप से गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल प्रत्याशी हैं,
तो ऐसे में ये भी एक अहम चीज है कि हमने देखा है कि कांग्रेस में जो दूसरा गुट है वो लगातार मांग कर रहा है, उसने चिट्ठी भी लिखी थी कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष को कि हरीश रावत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ाया जाए कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में क्या कुछ और असर डालेगा ये कांग्रेस पर, और ज्यादा चुनौती साबित होगी? कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट तो जरूर जारी होगी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि हरीश रावत को गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन गंगोत्री सीट में जो कांग्रेस के कहा जा सकता है जो चेहरे हैं वो बहुत मजबूत हैं और पिछले लंबे समय से जीत भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि 2017 में मोदी लहर के चलते वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस समय सबसे मजबूती दावेदार के तौर पर गंगोत्री सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो माने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि आखिरकार गंगोत्री सीट से चुनाव कौन लड़ता है, लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने जो बात कही थी कि गंगोत्री सीट से कर्नल अजय को ख्याल चुनाव लड़ेगा, गंगोत्री सीट से महत्वपूर्ण है कि उस सीट से जो चुनाव जीत कर आता है राज्य में उसी की सरकार बनती है। लगातार पिछले लंबे समय से जब से उत्तराखंड बना है तब से गंगोत्री सीट पर जो भी विधायक जीत कर आता है, जिस पार्टी का विधायक जीत कर आता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। यही वजह थी कि कर्नल अजय कोठियाल ने जो गंगोत्री सीट है वो चुनी और इसी वजह से वो सीट से तैयारी भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन क्योंकि अब इनकी जो लिस्ट है 24 प्रत्याशियों की वो जारी हो चुकी है, तो ये चुनाव के मैदान में पूरी तरीके से उतरते हुए आम आदमी पार्टी आपको नजर आएगी। बिल्कुल सुभाष जी, और ये भी देखने को मिलता है कि जो नई पार्टियां आती हैं वो दरअसल बचती हैं लिस्ट जारी करने से पहले, बचती नजर आती हैं। स्थापित पार्टियों की जब लिस्ट जारी हो जाती है उस कंटेस्टेंट के हिसाब से अपना गुणा गणित लगाकर तब लिस्ट जारी करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले लिस्ट जारी कर दी अपने कंटेस्टेंट्स की। जो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो महत्वपूर्ण चेहरे थे जिनको वो चुनाव लड़वाना ही चाहती थी उन चेहरों का नाम ऐलान उन्होंने कर दिया है, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वो इसका इंतजार नहीं करेगी कि आखिरकार दूसरे राजनीतिक दल से कौन उस क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा, बल्कि वो उस पर भरोसा जताएं जो उस क्षेत्र से मजबूत और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करता है। तो इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण जो चेहरे थे जो चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले लंबे समय से कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का झंडा उन सभी प्रत्याशियों का चयन आम आदमी पार्टी ने किया और 24 ऐसे लोग हैं जिनको पहली लिस्ट में टिकट दे दिए गया, यानी कि ये साफ है कि आम आदमी की प्रत्याशियों की लिस्ट और सबसे पहली अपनी लिस्ट जारी करने में सबसे आगे हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस अपनी लिस्ट का जारी करती इन विधानसभा सीटों पर जिन पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे थे। सुभाष जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो 24 प्रत्याशियों की लिस्ट है, क्या इसमें कोई भी ऐसा चेहरा आपको नजर आ रहा है जो कल तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में देखा हो? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कई ऐसे चेहरे हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना वर्चस्व नहीं बनाना पड़ी थी और ये सभी चेहरे बिल्कुल नए हैं, सभी चेहरे कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे और ये कहा जा सकता है कि लगभग 24 जो चेहरे इन्होंने घोषित किए हैं कहीं ना कहीं किसी और राजनीतिक दल से अपना सरोकार रखते थे, चाहे उसमें कर्नल अजय कोठियाल ही क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल साफ है कि इनको जब नई पार्टी दिखी, इनको कोई नया उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी दिखी तो उन्होंने दामन थामा, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं ये सभी प्रत्याशी किसी और दल में थे, किसी और दल का झंडा उठाते थे। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ने की बात करी और इन सभी को न्योता दिया कि जो बेहतर लोग हैं, जो अच्छी इमेज मार्केट में रखते हैं, वो लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन पर हम आगामी विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भी देंगे यदि बेहतर काम करेंगे। तो यही कहा जा सकता है कि तमाम लोग हैं इससे पहले किसी अन्य राजनीतिक दल में हुआ करते थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई है उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की है, उसके बाद इन सभी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम और उन्हीं का झंडा लेते हुए विधानसभा में चुनाव का जो प्रचार है वो करते हुए भी नजर आए। क्योंकि अब प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हो गई है तो कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इन 24 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ काम करती हुई आपको नजर आएगी। कहा भी गया है कि लिस्ट जारी हो गई है, अब और ज्यादा मेहनत करनी है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज कर्नल अजय कोठियाल, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, लिस्ट जारी हो गई है, 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जीत हमारी होगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर
डिफेंस सर्विस एग्जाम यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार की खनन नीति 28 अक्टूबर 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। बता दें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार की इस खनन नीति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार निदेशक जनरल माइनिंग SDM से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। नैनीताल में भी ओमिक्रॉन को लेकर राजकीय BD पांडे अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टर राहुल सक्सेना ने बताया कि कोरोना इस बार जरा घातक है, पर सावधानी बरतने की पूरी तैयारी की जाए तो कई हद तक इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि BD पांडे अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां भी जाएं मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ को धोते रहें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, पहले भी हम लोग ये चीज़ हम लोग स्टाफ को ट्रेंड कर चुके हैं। आज हमें फिर से ट्रेंड करने के लिए कहा गया था, इसके लिए हमने आज सारी तैयारी कर रखी है और डिफरेंट पोजीशन पे जाके हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं पूरे स्टाफ को भी। और हम लोग जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसकी तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं।
कोई मिसहैप होने के लिए भी कुछ भी हो, हमने सारे स्टाफ को ट्रेन कर रखा है। सर, शहर में लगातार संक्रमण का खतरा, तरीके पहले बता रखे हैं, ये सेकंड वेव नहीं है, थर्ड वेव अगर आएगी तो थर्ड वेव है। सेकंड वेव में बहुत लोगों को सीखने को भी मिला है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, ठीक है, और आपको हैंड वॉश करना है, कहीं गैदरिंग कहीं भी मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है आपको, और अपना जो आपका लाइफ स्टाइल है वो भी अपना मॉडिफाई करना है, अच्छी चीज़ें खानी है और हेल्दी फूड लेना है, और इस सब चीज़ों से अगर आप रहेंगे तो आप बच सकते हैं। मास्क बहुत जरूरी है, ठीक है, आप कहीं भी जाइए मास्क पहनिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द चुनावों की घोषणा के आसार हैं, लेकिन सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर की कोरोना काल में चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय चुनाव आयोग पिछले कुछ समय से चुनावी तैयारियों पर लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही रैलियों और सभाओं के आकार को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर पूरी तरह से रोक लग सकती है, इनकी जगह छोटी छोटी रैलियां या जनसभाओं को ही इजाजत मिल सकती है। ये छोटी रैलियां भी तभी हो पाएंगी जब कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही रैलियों में ले जाने की पार्टियों से अपील की जा सकती है, लेकिन खतरा सिर्फ चुनावी रैलियों और जनसभाओं से ही नहीं है, फिक्र उन कर्मचारियों को लेकर भी है जो कि मतदान के काम में जुटे होंगे। सूत्रों से पता चला है कि चुनाव आयोग ऐसे चुनाव अधिकारियों का वेतन अधिकारियों को तैनात करेगा जो कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। सुरक्षाकर्मी भी वही तैनात किए जाएंगे जो कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों। पोलिंग बूथ पर 1500 वोटरों की जगह अब ज़्यादा से ज़्यादा 1250 वोटरों को ही वोट डालने की अनुमति होगी। यही नहीं, नामांकन के लिए उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 5 लोगों को ही ले जा सकेगा। इसके अलावा डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए भी चुनाव से ज़्यादा 5 लोगों को ही अनुमति मिल सकती है। कोरोना काल में चुनाव कराना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण की जानकारी ली है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।